इस बीजेपी सरकार ने इस खट्टर सरकार ने जो हमला किया है आसू बैस के लाठी चार्ज किया है उसका भारतीय किसान यूनियन चढ़ी की रेवाड़ी की पूरी टीम निंदा करती है एक आदत बन गई अब जो चंडीगढ़ ये रेवाड़ी आएंगे झज्जर जाएंगे इलाका में आएंगे तो इनको तो फूल माना चाहिए जो प्रतिनिधि जाएंगे कर्मचारी जाएंगे सरपंच जाएंगे यूनियन के जाएंगे उनको लाठी से हमला करो इनकी एक खूबी होगी आदत होगी कोई भी वर्ग उठा के देख लीजिए कोई भी इससे कुछ नहीं है सबके नाक में दम कर रखा है जीना हराम कर रखा है आखिर कब तक कब तक सहन करेंगे तो बदला तो लेना है वोट की चोट ऐसी है कि ये याद रखे उन्होंने लेना है और जैसे दो साल इन्होंने चुनाव नहीं करवाए तो दो साल में इन्होंने माल खा लिया अब सोच रही है सरपंचो का के थ्रू काम होगा तो आम जनता को पता हो जाएगा कर्मचारियों के थ्रू काम होगा अफसरों के थ्रू काम होगा तो उनमें मोटा कमीशन खाने का खेल है और कुछ खेल नहीं नमस्कार हरियाणा तक में आपका स्वागत है मैं देशराज चौहान कल चंडीगढ़ में जैसे सरपंच पहुंचे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई क्योंकि छोटी सरकार मानी जाती है कहीं ना कहीं सरपंचों पर जो हुआ है हमला उसको लेकर आज किसान जो यूनियन है वो भी आज कहीं कहीं प्रेस वार्ता की है उसको आखिर क्या कहना है सर क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरीके से आज प्रेस वार्ता की है क्या मसला है मसला ये है जनाब जो कल चंडीगढ़ के माँ जो नियत थे सरपंच कुछ महिला थी किसान यूनियन के पदकारी थी इस बीजेपी सरकार ने इस खट्टर सरकार ने जो हमला किया है अरसुग के गोले लाठी चार्ज किया है उसका भारतीय किसान यूनियन चरूनी की रेवाड़ी की पूरी टीम निंदा करती है और कड़े शब्दों में इसकी भर्सना करती है और आगे के आंदोलन की रूपरेखा के लिए हम रणनीति बनाएंगे जो हमारे राष्ट्रीय प्रधान गुरु सिंह जैसा भी आदेश देगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे और जल्दी ही हम लोकल में सरपंचों के जो जिला प्रधान है जो एस सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है रेवाड़ी ब्लॉक के या हर भी के उनको भारतीय किसान यूनिक चिट्ठी लिख रही है और सरपंचों को बुलाएंगे और इसको बनाने के लिए पब्लिक को भी साथ जोड़ेंगे, क्योंकि अब तक सरपंच सरपंच लड़ाई लड़ रहे जो, जो, जो चंडीगढ़ ये रेवाड़ी आएंगे झज्जर जाएंगे इलाका में आएंगे तो इनको तो फूल माला चाहिए जो प्रतिनिधि जाएंगे कर्मचारी जाएंगे सरपंच जाएंगे यूनियन के जाएंगे उनको लाठी से हमला करो इनकी एक खुबी होगी आदत होगी इनको आदत अब बदलनी पड़ेगी और रही बात ये जब गाँव में आएंगे तो इन्होंने जो हमारे साथ अत्याचार किया है हमारे राष्ट्रीय प्रधान सिंह के के साथ साथ अत्याचार अत्याचार किया है, अत्याचार किया है है हमारी ममता का जो उसका बदला हम गाँव में आएंगे तो लेंगे बदला आप दो हजार चौबीस किस तरीके से बदला लेंगे आप दो हजार चौबीस में तो इनका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा दो हजार चौबीस में जे जेपी बीजेपी सरकार का खाता भी नहीं खुलेगा ऐसा महसूस हो रहा है हमारी टीम हम बार बार जाते हैं इससे हर वर्ग है हम पहले समझाया करता कि बीजेपी सरकार किसी को नहीं बख्सेगी कर्मचारी हो व्यापारी हो महिला हो मजदूर हो सबका नंबर बारी बारी इन्होंने है और जैसे दो साल इन्होंने चुनाव नहीं करवाए तो दो साल में इन्होंने माल खा लिया अब सोच रही है सरपंचो के थ्रू काम होगा तो आम जनता को पता हो जाएगा कर्मचारियों के थ्रू काम होगा अफसरों के थ्रू काम होगा तो उनमें मोटा कमीशन खाने का खेल है और कुछ खेल नहीं है और भी में साथ बात करें महिलाएं क्या किस तरीके देखते हैं जो लाठी चार्ज आप किस की नजरिया देखिए ये एक फैशन सा बन गया इस सरकार का कि जो भी अपनी आवाज उठाए आपके अपने हकों के लिए उनको कुचल दिया जाए और इनकी जो ये हट धर्मिता है जो तानाशाही है ये ज्यादा दिन चलने वाली वो कहते हैं न विनाश काले विपरीत बुद्धि तो इनके उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं बस और कुछ भी नहीं है पहले देखाचार्जें उठाते हैं की उठा तो तो इनकी मंशा यही है कि, कि किसी तरह से भी जनता को दूसरे मुद्दों में उलझाया जाए और हम अपना खेल खेल जाए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र की बू आ रही है इसके पीछे कोई भी है ना कोई कर्मचारी ना अधिकारी ना महिलाएं ना स्टूडेंट्स कोई भी वर्ग उठा के देख लीजिए कोई भी इससे खुश नहीं है सबके नाक में दम कर रखा है जीना हराम कर रख्या है आखिर कब तक कब तक सहन करेंगे तो बदला तो लेना है वोट की चोट ऐसी है कि ये याद रखेंगे